दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जन्म कुंडली के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका जन्म 5 मई 1954 के रोज रोहतक में मेहम में हुआ था। उनका जन्म लग्न कन्या है, तुला राशि में शनि है, धन राशि में मंगल राहु है, मेष राशि में सूर्य बुध है, वृषभ राशि में चंद्र शुक्र है, मिथुन राशि में गुरु केतु है। सबसे पहले जन्म कुंडली में सत्ता का कार्य ग्रह सूर्य बलवान होना जरूरी है, जिसकी वजह से सरकार में पद प्राप्ति, सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, IAS ऑफिसर व किसी भी रूप से सरकारी मिशनरी से जुड़ा होता है व किसी भी रूप से देखने जावे तो वह पद दर्शक भी हो सकता है, जो किसी की रूप में समाज का उत्थान व चारित्र निर्माण करता है। वह देखने जावे तो उदाहरण के तौर पर मनोहर लाल खट्टर की कुंडली का एनालिस करके रहेंगे। कर्क लग्न परिवार को मान सम्मान दिलाने वाला लग्न, लग्नेश चंद्र उच्च राशि में, साथ में स्वग्रही शुक्र, उच्च विचारशैली, अच्छा मातृसुख, अच्छा कर्म सुख उन्हें प्राप्त हुआ है। तुला का उच्च का शनि और नवमास में मकर का शनि, स्वग्रही शनि, शनि की दृष्टि कर्मस्थान पे पड़ने से कुशल शासक बनाता है। मंगल राहु और गुरु केतु का ये जो मांगल्य योग है वो गुप्त शत्रुओं पर अंकुश प्राप्त हुआ है। भाग्य गुरु की दृष्टि केंद्र त्रिकोण स्थान पर पड़ने से व्यक्ति स्वयं भाग्य का निर्माण कर रहा है। वर्तमान समय में व्ययस बुध में चंद्र की अंतर्दशा जनवरी 2022 तक रहेगी। यह समय उनके लिए डिप्रेशन का साबित होता है, मन सतत डिप्रेशन में रहता है। अब हरियाणा की प्रजा उनसे नाराज है। लग्न और लग्नेश से षष्ठम अष्टम स्थान में मंगल राहु सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं देती। इंसान अच्छे कर्म करता है फिर भी जनता की निगाहों में व्यक्ति घिर जाता है। अभी 2022 का समय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हमको दिख रहा है। किसान आंदोलन में प्रजा की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी और अभी ये जो उत्तरावस्था का समय है उनमें भी हमको शारीरिक रूप से बहुत कष्टदायक यानी कि पीड़ादायक हमको दिख रहा है। तो थोड़ा सा परमात्मा का स्मरण भी करना जरूरी है। हमारे क्लाइंटों की चॉइस की वजह से आज हमने ये प्रोग्राम कर लिया। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।